चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 13 से 13.5, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस से 13.5 पहले देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर, और जो प्रोडक्ट हमें बनाना है यहाँ पे CH3NH2, दैट इज मीथेनामाइन। दिस इज मीथेनामाइन एंड दिस रिएक्टेंट इज नोन एज इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इथेनोइक एसिड से मीथेनामाइन बनाना है। बेटा सबसे पहले ये सोचना है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो रिएक्टेंट में है वो दो हैं और नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में हमें एक बनाना है, तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हैं और अमाइन बनाना है तो हमें हॉफमैन रिएक्शन याद करना चाहिए। वी नीड टू रिमेंबर हॉफमैन रिएक्शन, यहाँ पे हॉफमैन रिएक्शन हमें याद करना होगा। चलिए दोस्तों, बट हॉफमैन रिएक्शन होता है अमाइड में, तो सबसे पहले एसिड से हमें बनाना पड़ेगा अमाइड। क्या बनाना पड़ेगा? अमाइड बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो कैसे बनेगा एसिड से अमाइड? तो सबसे पहले अमोनोलिसिस करेंगे CH3COOH, उसके अंदर दोस्तों ऐड करेंगे NH3, ताकि यहाँ से निकल जाएगा OH और यहाँ से निकल जाएगा H, सो बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल गेट CH3CONH2। अब दोस्तों CH3CONH2 जो है दैट इज इथेनामाइड। इसका हमें करना है हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन में हमें ऐड करना होता है बेस प्लस ब्रोमीन वाटर, इसको हम ऐड करते हैं मिक्सचर को। तो ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर एंड 4 मोल ऑफ बेसेस, यहाँ पे CO ग्रुप जो है वो यहाँ से निकल जाएगा एंड विल गेट CH3NH2 अलॉन्ग विथ Na2CO3 एंड 2 मोल ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्लस 2 मोल ऑफ NaBr। तो ये बात होगी दोस्तों, सबसे पहला कन्वर्जन हो गया, इथेनोइक एसिड से हमने बना दिया CH3NH2, दैट इज मीथेनामाइन। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड कन्वर्जन जो है वो देखते हैं अब। सेकेंड कन्वर्जन में यहाँ पे दोस्तों लिखा है हेक्सेन नाइट्राइल इनटू 1-aminopentane, हेक्सेन नाइट्राइल CH3CH2CH2CH2CH2C CC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 
इसको दोस्तों हमें कन्वर्ट करना है वन अमीनो पेंटेन। ये रहा CH3 CH2 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 NH2। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 5, तो ये हो गया 1 अमीनो पेंटेन। ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन हो गया दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अगेन रिड्यूस करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने के लिए हमारे पास हॉफमैन रिएक्शन है, तो सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, सो विल गेट CH3 CH2 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 CONH2, और उसके बाद 4 mole of NaOH plus bromine। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CO ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएंगे 5 carbons and NH2 group, दैट इज 1 amino pentane। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, ये 2 conversion हो गए। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम थर्ड कन्वर्जन जो है उसके बारे में बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब मीथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाते हैं, मीथेनॉल से बनाएंगे इथेनॉइक एसिड। चलिए दोस्तों, थर्ड कन्वर्जन लिखते हैं यहाँ पे, क्या करना है, मीथेनॉल लेना है। ये रहा दोस्तों मीथेनॉल CH3OH,
और इससे बनाना है CH3COOH। लिख देते हैं यहाँ पे मीथेनॉल रिएक्टेंट है और ये है हमारा प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड इथेनोइक एसिड। चलिए, तो जब एसिड बनाना होता है तो जनरली हम साइनाइड ग्रुप से बना सकते हैं, तो CH3OH ग्रुप में OH ग्रुप को हमें दोस्तों सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, CN से। तो पहले मैंने ऐड कर दिया HCl, तो यहाँ से OH और H H2O रिमूव हो जाएगा, सो विल गेट CH3Cl। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे KCN, तो यहाँ पे K के साथ अलग हो जाएगा दोस्तों Cl, तो फॉर्म हो गया CH3CN। एंड वी नो दैट बाय एडिशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2O ऐड करेंगे, तो NH3 रिमूव होने के बाद CN ग्रुप जो है दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। अगेन CN जो है 2 मोल ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हुए, तो यहाँ पे NH3 रिमूव हो जाएगा, NCOOH यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो CN का COOH में कन्वर्जन कैसे होता है ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। याद रखिए CN को जब COOH में कन्वर्ट करना होता है तो जनरली हम ऐड करते हैं 2 मोल ऑफ H2। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और फिर हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, दैट इज इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं फोर्थ कन्वर्जन जो है दैट इज इथेनामाइन इनटू मिथेनामाइन। नेक्स्ट फोर्थ इथेनामाइन मीन्स 2 कार्बन कंटेनिंग अमाइन, जिसको हमें कन्वर्ट करना है मीथेनामाइन में। इथेनामाइन और ये है मीथेनामाइन, अगेन कार्बन रिड्यूस करने हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हॉफमैन कर सकते हैं। हॉफमैन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमाइड। अमाइड बनता है एसिड से, एसिड किससे बनता है वो आपको याद करना है, एसिड बनता है अल्कोहल से। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर ऐड करेंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, तो इथेनामाइन कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एक स्टेप में इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, सो इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड ऑन अमोनोलिसिस, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया। OH और H दोस्तों यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O और यहाँ पे फॉर्म हो गया CH3CONH2। और कैसे करना है ये तो हमें पता है, अभी हॉफमैन करेंगे, 4 मोल्स ऑफ NaOH प्लस ब्रोमीन हिट करेंगे इसको दोस्तों, ओके। तो अभी हमने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले ही 2 NaBr, Na2CO3 निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा दोस्तों, 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे एलिमिनेट होके CO ग्रुप निकल जाएगा, और CO ग्रुप अगर निकल गया तो CH3NH2 कनेक्ट कर देंगे, तो ये दोस्तों फॉर्म हो जाएगा मीथेनामाइन। तो ये दोस्तों कन्वर्जन हो गया इथेनामाइन से मीथेनामाइन। पहले इथेनॉल बनाएंगे हम, फिर ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड, उसके बाद क्या बनाया हमने, उसके बाद बनाया एसिटामाइड। चलिए, उसके बाद एसिटामाइड और फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड से मीथेनामाइन। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा और स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं जो है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा. अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे, दैट इज फिफ्थ कन्वर्जन, इथेनोइक एसिड CH3COOH, उसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर. ये रहा इथेनोइक एसिड और ये रहा प्रोपेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर. अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन हमें इंक्रीज करना है. नाउ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं? तो दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हम कर सकते हैं ग्रिगनार्ड रिएक्शन से. और दोस्तों अगर हमें यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएक्शन करना है तो ग्रिगनार्ड रिएक्शन करने के लिए हमारे पास साइनाइड ग्रुप होना चाहिए. तो बस यही हमें सोचना है कि साइनाइड ग्रुप कहाँ से ला सकते हैं, या फिर और कोई यहाँ पे रास्ता है जिससे इथेनोइक एसिड जो है उसमें दो कार्बन जो है वो प्रोपेनोइक एसिड तीन कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाए. चलिए दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और आपको थोड़ा बहुत सोचना है, क्योंकि अगर सब बातें अगर यहाँ पे आप देखोगे पूरे वीडियो के अंदर तो फिर आप खुद कुछ ट्राई नहीं कर सकोगे. तो आपको सोचना है इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड? सोचिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और एसिड प्रोड्यूस करना है, हमें बनाना है एसिड. चलिए दोस्तों क्या करेंगे, आई होप आपने ट्राई किया होगा, और नहीं किया तो अगेन मैं रिपीट करना हूँ, वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है, तब जाके आप सीखोगे अंदर से कुछ. चलिए आई होप आप सब ने ट्राई किया होगा. अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम ये इथेनोइक एसिड जो है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड के अंदर. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था सी एन ग्रुप यहाँ पे लाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, CH3COOH जो है, ठीक है, इथेनोइक एसिड, उसका पहले आप एल्कोहल में कन्वर्जन करो CH3CH2OH बाय एडिशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर. तो ये दोस्तों मेथड हो गया रिडक्शन का. ये हमने यहाँ पे रिडक्शन मेथड दोस्तों देख लिया, रिडक्शन करने से ये हो सकता है. चलिए तो LiLH4 और पानी डालने से इथेनोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया है इथेनॉल के अंदर. उसके बाद बड़ी सिंपल चीज़ है, HCl डाल दो, OH और H, H2 निकल गया, CH3CH2Cl, KCN डाल दो, KCl निकल जाएगा, CH3CH2CN, और ये CN जो है अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है COOH के अंदर, CN जो है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है COOH के अंदर, तो बड़ा सिंपल है, CN COOH में डायरेक्ट अब कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. अभी तो मैंने पढ़ाया था 2 मोल ऑफ वाटर ऐड करेंगे पर मोल ऑफ अमोनिया, सो विल गेट CH3CH2COOH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड. चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आपको लेना है इसका, और फिर हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे जो है मिथेनामाइन इनटू इथेनामाइन. चलिए दोस्तों हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं नेक्स्ट मिथेनामाइन इनटू इथेनामाइन उसको कन्वर्ट करते हैं
इथेनामाइन के अंदर, मिथेनामाइन इनटू इथेनामाइन। दोस्तों यहाँ पे कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने होते हैं तो पहले सी एन ग्रुप लाएंगे और सी एन ग्रुप का रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी एच थ्री एन एच टू जो है उसके अंदर डालेंगे एच एन ओ टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं सी एच थ्री एन टू प्लस सी एल माइनस, ओके। हमने नाइट्रस एसिड ऐड कर दिया तो बन गया सी एच थ्री एन टू प्लस सी एल माइनस। उसके अंदर ऐड करेंगे वाटर, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से N2 निकल जाएगा, तो CH3OH दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद OH को हटा के CN लाना है, तो डायरेक्ट तो CN आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे HCl डालेंगे ताकि इसमें से OH और H रिमूव हो जाए, H2O रिमूव हो जाए और हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3Cl, जिसके अंदर डालेंगे KCN, तो KCl रिमूव हो जाएगा और ये बन गया CH3CN। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, बड़ी सिंपल चीज़ है। यहाँ पे सोडियम और इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, सोडियम और इथेनॉल यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सी एन जहाँ पे है तो कार्बन में वहाँ पे दो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये दोस्तों फॉर्म हो गया इथेनामाइन, दिस इज इथेनामाइन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन लास्ट दो कन्वर्सन हम देख लेंगे। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सेवेंथ कन्वर्जन जो है वो है नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। ये तो बड़ा सिंपल है, पहले नाइट्रोमीथेन जो है उसका हम कर देंगे रिडक्शन, रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग जिंक HCl और SnHCl और FeHCl, तो CH3NH2 बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका अल्काइलेशन कैरी आउट कर सकते हैं। CH3Cl ऐड कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा और ये CH3NHCH3 डाई मिथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है मीथेन अमाइन और ये है नाइट्रोमीथेन। चलिए दोस्तों उसके बाद लास्ट एक कन्वर्जन है प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। कार्बन यहाँ पे हमें रिड्यूस कर रहे हैं, कार्बन रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम देखते हैं कार्बन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हो गया होगा स्क्रीनशॉट, लास्ट कन्वर्जन चैप्टर नंबर 13 के 13.5 से 8th वन, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। अब कार्बन डिक्रीज करने, चलो कार्बन डिक्रीज करने के लिए हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन का मेथड है और हॉफमैन मेथड है। हॉफमैन से अमाइन बना सकते हैं, अमाइन से क्या बना सकते हैं, अमाइन से एल्कोहल बना सकते हैं और एल्कोहल से एसिड बन सकता है। चलिए फिर अमाइन बनाने के लिए क्या करना है वो तो पता ही है हमें, अमोनिया डालना है इसके अंदर ताकि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाए, तो H2O निकल गया और यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया CH3CH2CONH2, अमाइड बन गया। इसके बाद हॉफमैन रिएक्शन कर देंगे,
फोर मोल ऑफ NaOH प्लस ब्रोमीन, तो यहाँ से CO ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH3CH2NH2 बन गया। फिर ऐड करेंगे दोस्तों नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड से क्या होगा, CH3CH2OH बन गया, दैट इज इथेनॉल। और फिर तो आपको पता ही है इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं KMnO4 से, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये है प्रोपेनोइक एसिड, ये है प्रोपेनामाइड, और ये है इथेनामाइड। तो पहले प्रोपेनोइक एसिड सबने बना दिया प्रोपेनामाइड, फिर हॉफमैन करके इथेनामाइन, उसके बाद इथेनॉल, और फिर इथेनोइक एसिड। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया दोस्तों, 13.5 दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लगा वीडियो, समझ आया पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे 13.5 जो मैंने करवाया वो, या नहीं। और आपके कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और प्लीज़ लाइक अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।